उत्तर प्रदेश की राजधानी में भूमाफियाओं के आतंक से घर को छोड़ने को मजबूर पीड़ित परिवार। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बरारा हुसैनबाड़ी बालागंज का पूरा मामला है, जहाँ आपको बता दें कि पीड़ित महिला जा पहुंची लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर के दरबार न्याय की गुहार लगाने। वहीं आपको बताया कि वो माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि पीड़ित परिवार के घर पर कर रहे हैं हमला, जहां स्थानीय थाना ठाकुरगंज से पीड़ित परिवार लगा रहा न्याय की गुहार। देखना यह है कि लखनऊ कमिश्नरेट सिस्टम में क्या भूमाफियाओं पर लगा पाएंगे लखनऊ कमिश्नर। देखिए, सबसे पहले परिवार से हमारे ब्यूरो हेड अमित कश्यप ने बात की और जाना कि किस तरह से भूमाफियाओं के आतंक से घर से पलायन करने को मजबूर है ये परिवार। देखिए, नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। इस समय हम लोग आए हुए राजधानी के कार्यालय पुलिस आयुक्त पर, आइए जानते हैं कि पीड़ित किस तरीके से गुहार लगा रहा है और उसकी क्या समस्या है जो समाधान नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? सर, हम कहेंगे कि हमको भूमाफिया लोगों ने हमारे जमीन पे कब्जा भी कर लिया है, ऊपर से रात में घुस कर हमारे घर पे मारते हैं, धमकाते हैं, कट्टा दिखाते हैं। सर, हम कहाँ जाए बताइए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, हम बहुत परेशान है सर, हमारे लड़के दोनों विकलांग है, धनीराम के लड़के लोगों ने सब कब्जा कर लिया है जमीन पे, ऊपर मारे के धमकी दे रहे हैं सर, हम लोग निकलना दुश्वार का मामला है ये। बरौरा हुसैनबाड़ी ठाकुरगंज बालागंज थानागंज को, थाना कौन सा लगता है? ठाकुरगंज। अच्छा, थाने पर आप गई? थाने पर गए, थाना जिम्मे वाले ने कुछ सुना, चौकी पर गए, चौकी वाले ने 2 घंटा हमको बैठा रखा सर, कहीं हमारी सुनवाई नहीं सर हो रही है, हम क्या कहने की सर। अच्छा, तो क्या गुहार लगा रही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त से? हम ये हमारा न्याय हमको चाहिए, 1/3 हमारी जमीन चाहिए, हमारे लड़कन से न उनसे मतलब है न उनसे हमारे लड़कन से मतलब। अच्छा, जमीन को लेकर कोई मुकदमा भी डाला हुआ? वो हाँ, जमीन मुकदमा हम डाला है फाट के लिए कि हमारा हमारा हिस्सा हमको मिलना चाहिए 1/3। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, जमुना देवी। ठीक, तो ये थी पीड़ित जमुना देवी, जिन्होंने बताया किस तरीके से इन प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं भूमाफियाओं के द्वारा, इनकी भूमि पर जो कब्जा किया गया है, और इनसे ये भी जानेंगे कि कौन है वो भूमाफिया जिनके द्वारा यहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। भूमाफियाओं का नाम क्या है? पहले तो हाँ धनीराम, ये बाद में यहाँ धनीराम के लड़के हैं राम सेवक, राधे राम रामचंद्र और जफर और मनोज। अच्छा, ये लोगों ने हमको हम बनवाने से मिनहा करिया, कहीं की जाइए कोर्ट में मुकदमा चल रहा और अपना रात ही रात बनवा लिया सर, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या आश्वासन दिया है आपको पुलिस आयुक्त ने? हमें ठाकुरगंज से बालागंज से हमको कोई सुनवाई नहीं मिली है, हम यहाँ कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने क्या कहा? कमिश्नर साहब ने कहा है कि जाओ तुम्हारे काम होगा। अच्छा, तो यहाँ से इनको आश्वासन मिला है कि इनका कार्य जो है, जो इनको प्रताड़ना दी जा रही है भूमाफियाओं के द्वारा, उसके चलते इनकी हर समस्या का समाधान होगा। देखना है कि राजधानी के कमिश्नरेट सिस्टम में दबंगों का जो हौसले बुलंद है उनको लेकर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर आखिर क्या रवैया अपनाते हैं। सहयोगी शिवम के साथ मैं अमित, हंगामा टाइम्स न्यूज लखनऊ से।